नमस्कार, प्रादेशिक खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस। ग्राम पंचायत के दूसरे चरण के चुनाव के दौरान घोसी ब्लॉक के रामनिधि मिशोली बूथ पर वोटर लिस्ट में हुई धांधली को लेकर हुए बवाल और पथराव के बाद पुलिसिया कार्रवाई के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस कार्रवाई में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 6 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। बात यह थी कि जब जिला पंचायत का वोट था तो सारी औरतें मतलब वोट जाके दी थी, सारे लोग, हम लोग भी दिए थे, सारे लोग भी दिए थे। और फिर जब ये प्रधानी का वोट आया था तो इनका नाम, बहुत लोगों का नाम काट दिया गया था। तो यही बात थी, तो सारी जब जिसका नाम काटा जाएगा तो वो धरना देने गई थी कि मेरा नाम क्यों काटवा लिया, कि कोई ऐसे ही थे लोग। तो उन लोगों से कोई फ़ोन पर बातें किया तो बोले कि औरतों पे लाठी रिचार्ज करवाइए। अब वो लोग मारने लगे औरतों को, तो किसी का भी बच्चा देखेगा, कोई देखेगा। फिर आदमी लोग बाहर खड़े थे तो उन पे भी लाठी बरसाई। और डीएम की लापरवाही से भी ये हुआ है, एचडीएम भी मतलब उसमें वो किए गए हैं, उनका है, उनका भी वही भूमिका है, वो भी उन लोगों से मिले जुले हैं। इसीलिए तो पुलिस जब आई थी पूरे गाँव में गई थी और सबको छान रही थी, 2-3 घर वो क्यों नहीं गई थी बताइए यार। बिल्कुल डरे हुए हैं सब लोग, हम लोग पढ़ने वाले, हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर है, इस समय हम क्लास करने नहीं जा रहे हैं। अधिकतर लड़कियां इंटर का पेपर देने वाली हैं, वो नहीं जा रही हैं। हाई स्कूल के सब बच्चे हैं, कहाँ भागे हैं, बच्चे मार करेंगे बताइए। उन लोगों की पढ़ाई नक्शा, हम लोगों का पेपर कौन देने जाएगा, है ना। पोलिंग पर के चुना कैल, जब डीएम आयल बस का कहल कि लगन उछुआ करे, का कुछ न जाए न बेजाए, कुछ न पूछल, खाली ये मेहरान के झंडा चारज करा के सब मेहरान के मारे 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 कर, है ना। तो जब मेहरारू मारा लगली सब चीटा पत्थर चलावे लगली सब, हाँ डर गए हमने, का भागे लगली जहाँ घर में हेल के हम मार, ताला बंद रहे, ताला तूर के हमके 2-3 डंडा करी, बाप के मरना, इनकी लड़का के बाप के मरना, सब मार के सब हमार नई पतो ही आई करी खाती जाके ताला तूरे जाते रह, सब भाग गई, केहू ना रह, ताल केहू धल, केहू कत ही धल, केहू गाँव में ना रहे। उधम सिंह नगर में मुख्य विकास ये है लाइव न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस 24/7 ऑनलाइन चैनल।